हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश मुकेश सर में। और आज अपनी इस वीडियो में मैं चार ऐसे सेंटेंस लेकर के आया हूं जिनमें कहीं ना कहीं पर गलती है, मिस्टेक है और आपको वो गलती छाटनी है, बतानी है। और ये आपके लिए एक टेस्ट है, एक चैलेंज है, एक चुनौती है। देखो, इफ मोहिनी हैड वर्ड हार्ड सी विल हैव गॉट द जॉब सी डिजायर्ड, नो एरर। चारों सेंटेंस में देखिए, आप चारों सेंटेंसेस में इस तरह से आपको कॉलम मिलेंगे, स्लैश मिलेंगे और एक स्लैश गलत है किसी न किसी पार्ट में। आप देखो कहीं ना कहीं पर हर सेंटेंस में मिस्टेक है और आपको बतानी है कि मिस्टेक कहां पर है। तो बताइए इसमें, इफ मोहिनी हैड वर्क हार्ड सी विल हैव गॉट द जॉब सी डिजायर्ड या नो एरर। अगर गलती नहीं है तो नो एरर इसका आंसर होगा, नहीं तो गलती है तो बतानी होगी कि कौन सी गलती है और वहां पर क्या आएगा। तो छाटिए इसमें से कहां पर गलती है, फाइंड आउट करिए। इसमें मिस्टेक यहां पर है, विल हैव गोट, यहां पर विल हैव गोट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, वुड हैव गोट। विल का क्या बन जाएगा यहां पर, वुड हैव गोट। ये मिस्टेक है, यहां हो जाएगा वुड हैव गोट। कैसे हो गया, क्योंकि अगर हैड इफ वाला सेंटेंस है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाले सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है तो यहां पर वुड हैव गोट लगाते हैं हम। ये रूल है और ये रूल मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखो, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर, नो एरर। इन पांच स्लैश में कहीं ना कहीं जरूर गलती है, अगर गलती नहीं है तो नो एरर इसका ऑप्शन होगा। अब छाटिए उसमें, और इसकी जो मिस्टेक है वो बिल्कुल क्लियर कट मिस्टेक है। आई थिंक आई शुड ट्राई। देखो, सिंस और फॉर वाला सेंटेंस है, बाद में टाइम दिया हुआ है तो नेचुरल है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब सिंस और फॉर में से एक आ जाए, साथ में टाइम भी आ जाए तो आप देखें यहाँ पर आई एम वर्किंग नहीं लग सकता, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और यह होगा आई हैव बीन, आई हैव बीन वर्किंग। एम कट जाएगा यहां से, ये एम हट जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। तो ये होगा कब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस। ये गलती थी, इसमें यहां गलती थी, ये आएगा, इसमें ये गलती थी, एम की जगह हैव बीन आएगा। थर्ड में आइए, ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन, नो एरर। अब इन पांचों स्लैश में कोई मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है ढूंढिए। वेरी सिंपल मिस्टेक यहां है, यहां कैसे पता चला यहां मिस्टेक, ही टोल्ड मी, ये जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, इसको खोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है और सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, जोड़ और जो जोड़ने के लिए कंजंक्शन होता है दैट का यूज होता है, उस समय जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो जो रोट है यहाँ पे आ जाएगा हैड रिटर्न, ही हैड रिटर्न, तो गलती यहां थी, सेकंड पार्ट में गलती थी, यहां आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटर्न। ये डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच खोली गई है और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वर्ब की सेकंड को हैड और थर्ड में बदल देते हैं, अर्थात पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब आइए फोर्थ में, द स्ट्रेंजर आस्क द गर्ल व्हाट इज हर नेम, नो एरर। अजनबी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा लड़की, कोई एरर नहीं। तो इसमें एरर है, ढूंढिए कहां एरर, नहीं मिला होगा आप लोगों को एरर, एरर है यहां, व्हाट इज हर नेम, ये गलत सेंटेंस है। द स्ट्रेंजर आस्क द गर्ल, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन है और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाते समय जब प्रश्नवाचक सेंटेंस हो इंटरोगेटिव तो हम सेट टू को आस्क में बदलते हैं।
स्ट्रेंजर आस्क्ड द गर्ल व्हाट इज योर नेम। अब इज का बन जाएगा वाज, क्योंकि उसमें इज एम आर को वादर बोलते हैं और उस वाज को पीछे लेके जाते हैं। अगर वाज यहीं पर रख देंगे तो वो जो है वापस प्रश्नवाचक ही हो जाएगा, और इज तो वाज में बदलेगा, इसने इज ही गलत लगा रखा है। तो गलती यहाँ बन जाएगा व्हाट हर नेम वाज, ये इज यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा वाज, व्हाट हर नेम वाज, ये इसका सही रूप बनेगा। तो छोटी छोटी बारीक बारीक सी गलतियां होती हैं जो ध्यान में नहीं आती, पता नहीं था, ऐसा लगता है कि वो गलती है ही नहीं थी, कोई मिस्टेक थी ही नहीं, लेकिन मिस्टेक थी। कब पता चले? जब समय सारे रूल याद होंगे। हम एक्सरसाइज को बारीकी से करेंगे, हर रूल्स को हम लर्न करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और मेरी वीडियो देखोगे। अगर इसी तरह मेरी वीडियो देखोगे तो हर टेंस की गलती, हर ग्रामर की गलती को मैं रिमूव करवा दूंगा। दिस इज माई प्रोमिस। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।